नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम इस ब्रेस्ट कैंसर वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन या रोकथाम के उपायों के बारे में। आपसे निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। दोस्तों, प्रिवेंशन पर डिस्कशन करने से पहले हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क को बढ़ाता है। दोस्तों, इन रिस्क फैक्टर्स को बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें आप अपनी जीवन शैली और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर परिवर्तन कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। इसमें पहला है फीमेल जेंडर होना ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को सबसे ज्यादा बढ़ाता है और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा है उम्र का बढ़ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तीसरा है अगर कुछ पर्टिकुलर जीन्स आपने अपने माता पिता से इनहेरिट किए हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे लोगों के कंपैरिजन में जिनमें वो जीन्स नहीं है, जैसे कि BRCA1, BRCA2, ATM, TP53, CHEK2, PTEN। दोस्तों, चौथा है ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री होना। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी मदर, सिस्टर या डॉटर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना दोगुनी हो जाती है, और अगर सेकेंड डिग्री रिलेटिव में यह हिस्ट्री है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना तिगुनी हो जाती है। पांचवा है ब्रेस्ट कैंसर की पर्सनल हिस्ट्री होना। अगर आपके एक ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर है तो दूसरे ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, छठा है रेस और एथनिसिटी। व्हाइट वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना अफ्रीकन अमेरिकन महिलाओं से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, सातवां है लंबा होना। अक्सर ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क लंबी महिलाओं में ज्यादा होता है उन महिलाओं के कंपैरिजन में जिनका कद कम है। दोस्तों, आठवां है ब्रेस्ट टिश्यू की डेंसिटी। ये ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट टिश्यूज ज्यादा डेंस होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिन महिलाओं के ब्रेस्ट टिश्यूज मॉडरेट डेंसिटी के होते हैं। दोस्तों, नवा है कुछ नॉन कैंसरस ब्रेस्ट की कंडीशंस होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती हैं। अगर वो कंडीशंस या वो बीमारियां ब्रेस्ट में हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। इनका नाम है जैसे डक्ट एक्टेशिया, माइल्ड हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया। दोस्तों, अगला है अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक धर्म किसी महिला में 12 साल की उम्र से पहले शुरू हुआ है तो उस महिला में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा ही अगला है अगर महिला में जो मेनोपॉज है वो 55 साल की उम्र के बाद हुआ है तो ऐसी महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, 12वां है अगर किसी महिला को चेस्ट वॉल में रेडिएशन दिया गया हो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे लिम्फोमा या हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस तरह के दोनों तरह के लिम्फोमास होते हैं तो ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की जिन्हें हम अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला है अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल का सेवन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है ओवरवेट या मोटापा। ओबेज होना या मोटा होना ब्रेस्ट कैंसर होने का महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है, इसलिए शरीर के वजन को सामान्य रखना बहुत जरूरी है। तीसरा है फिजिकली इनएक्टिव रहना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क कम हो जाती है। दोस्तों, चौथा है ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं या जिनका पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद हुआ है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज्यादा होता है।
पांचवा है, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क कहीं ज्यादा होते हैं। अगला है, जो महिलाएं बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों अगला है कि जो महिलाएं पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपीज लेती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कहीं ज्यादा होती है। अगला है, कुछ केसेस में देखा गया है कि जिन महिलाओं ने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को यूज किया है कॉस्मेटिक पर्पस से या किसी और कारण से, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, यानी उन उपायों के बारे में जिससे आप अपने ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला है, अपने वजन पर नियंत्रण रखें, स्पेशली मेनोपॉज के बाद। दूसरा है, फिजिकली एक्टिव रहें। दोस्तों डेली एक्सरसाइज हेल्थ के लिए एक तरीके से सिल्वर बुलेट की तरह काम करती है। अगर आप 30 मिनट से ज्यादा की एक्सरसाइज पर डे करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। दोस्तों तीसरा है, खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, अल्कोहल अवॉइड करें। एक बैलेंस डाइट ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम करने में बहुत सहायक है। चौथा है, डोंट स्मोक। दोस्तों स्मोकिंग ब्रेस्ट कैंसर के साथ 15 अन्य कैंसर्स के रिस्क फैक्टर को भी बढ़ा देती है, इसलिए स्ट्रिक्टली स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। पांचवा है, ब्रेस्ट फीडिंग। दोस्तों जहां तक पॉसिबल हो महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं ने एक साल से ज्यादा की पीरियड के लिए ब्रेस्ट फीड किया है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क काफी कम हो गई है। छठा है, बर्थ कंट्रोल पिल्स को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है या आप स्मोक करते हैं। दोस्तों अगला है, हमें पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपीज भी अवॉइड करनी चाहिए, पर अगर किसी और बीमारी के लिए ये ली जा रही है तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए लेनी चाहिए। दोस्तों FDA ने कुछ दवाइयों को ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए परमिशन दी है, इनका नाम है टमोक्सिफेन, रलोक्सिफेन। पर यह दवाई कौन ले सकता है इसके ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मरीज की एज क्या है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट्स क्या है। डॉक्टर की सलाह के बिना इस तरीके की दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगला है, मैस्टेक्टोमी। ये सर्जरी जिसमें ब्रेस्ट को हटा दिया जाता है, ऐसा देखा गया है कि मैस्टेक्टोमी करने के बाद 90% तक ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, परंतु यह आपके मैरिड लाइफ और सेक्सुअल लाइफ को भी हैम्पर करता है, अफेक्ट करता है, इसलिए यह प्रिवेंटिव मेजर्स को लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। हम पुनः निवेदन है, हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।